हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे कि लेटर किसे कैसे लिखना चाहिए। ओके, तो लेटर लिखना भी अपने आप में एक कला है, इट्स एन आर्ट एंड इट्स आल्सो ए वे ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो जब हमें किसी से कम्युनिकेट करना होता है तो हम चिट्ठी लिखते हैं। नो डाउट कि आजकल सोशल मीडिया आने से, व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह आने से इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गई है, लेकिन फिर भी अगर हम बिजनेस लेटर या फिर फॉर्मल लेटर्स की बात करें तो वो आज भी उतने ही मैटर करते हैं। अगर आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या किसी कंपनी के ऑफिस में कोई काम करवाना है या कुछ रिक्वेस्ट फाइल करनी है तो उसके लिए आपको लेटर ही लिखना पड़ता है, वहाँ पे व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह काम नहीं आते हैं। तो ज़रूरी है कि लेटर लिखना हमें आना चाहिए। ओके, तो लेटर लिखने के लिए जो मेन, सबसे पहले लेटर लिखने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लेटर होते कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि जो लेटर हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है फॉर्मल लेटर, ठीक है, एक होता है हमारा फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर। ओके, तो फॉर्मल लेटर वो कौन कौन से होते हैं और इनफॉर्मल लेटर्स कौन कौन से होते हैं, मैं आपको बाइफरकेट करके बताती हूँ। ऑल द लेटर्स विच हैव बीन रिटन टू द एडिटर्स, जो लेटर किसको लिखे जाते हैं, एडिटर्स को, चाहे वो किसी भी अखबार का, किसी मैगजीन का एडिटर हो, जब भी हम उसको किसी भी विषय के लिए लेटर लिखेंगे, चाहे समाज की प्रॉब्लम्स हाईलाइट करवाने के लिए या फिर किसी और प्रकार की समस्या को दुनिया के सामने लाने के लिए या और अपने सजेशंस देने के लिए, जब हम एडिटर्स को लेटर लिखेंगे तो वो फॉर्मल लेटर में आएगा। नेक्स्ट है, जितने भी बिजनेस लेटर्स हैं वो सब किस में आ जाते हैं, फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। ऑफिशियल लेटर्स जो हैं वो भी फॉर्मल लेटर में आते हैं। एप्लीकेशंस किसी भी ऑफिस में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं पे भी अगर हमें कोई एप्लीकेशन देनी है तो वो भी किस में आएगी, फॉर्मल में आएगी। इसके अलावा सोशल लेटर्स, सोशल लेटर्स कौन से होते हैं, जैसे मान लो आपने किसी एनजीओ को लेटर लिखना है किसी पर्पज़ के लिए या फिर किसी गौशाला वगैरह में या कहीं ऐसे पर्पज़ से आपने किसी कहीं पर लेटर लिखना है, तो वो सोशल लेटर्स आते हैं। फिर हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर्स की, इनफॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं, जो भी हम लेटर्स टू रिलेटिव्स, जो भी हम अपने किसी भी रिश्तेदार को लेटर लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर में आता है। हालांकि ये ख़त्म हो गया है आजकल, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें शादी ब्याह में जो इनविटेशन लेटर्स होते हैं या कार्ड वगैरह होते हैं वो एक तरह से इनफॉर्मल लेटर ही होता है। टू फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों को जो पत्र लिखते हैं। इसके अलावा टू पर्सनल एक्वेंटेंसेस, जो हम अपनी जान पहचान वालों को लेटर लिखते हैं वो भी किस में आ जाते हैं, हमारे इनफॉर्मल लेटर्स में आ जाते हैं। अब सबसे बात ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि इनफॉर्मल लेटर्स के और फॉर्मल लेटर्स दोनों के लिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इनके लिए ज़रूरी हैं। पार्ट्स ऑफ द लेटर्स क्या हैं, सबसे पहले एक आएगा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो लेटर है वो पहले होता था कि कुछ पार्ट लेफ्ट हैंड की तरफ कुछ पार्ट राइट हैंड की तरफ होता था, लेकिन अब जो न्यू पैटर्न है उसके मुताबिक आपका पूरा लेटर ही लेफ्ट हैंड की तरफ ही लिखा जाएगा, राइट हैंड की तरफ कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस में आपने सिर्फ एड्रेस लिखना है, नाम नहीं लिखना। सेंडर्स का मतलब होता है जो चिट्ठी भेज रहा है, यानी जो लेटर लिख रहा है वो अपना एड्रेस लिखेगा, अपना नाम नहीं लिखेगा, ये चीज़ दिमाग में रखने की है। और दूसरी, फिर उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद नीचे उसी एड्रेस के नीचे उसने डेट मेंशन करनी है कि किस डेट को ये लेटर पोस्ट किया गया। अब लेटर जो डेट है वो दो तरीके से लिखनी चाहिए, अगर हम और किसी एंगल से लिखते हैं और किसी तरीके से लिखते हैं तो वो रॉन्ग होगा। तो सबसे पहले अगर जैसे आज 7 सितंबर है तो मैं लिखती हूँ सितंबर 7, अगर मैंने मंथ के बाद डेट लिखी है, ठीक है, तो वो नंबर्स में आ रही है तो उसके बाद कोमा लगेगा और फिर ईयर लगेगा, सितंबर 7, 2020। ओके, लेकिन अगर हम डेट आगे लिखते हैं मंथ से तो हम 7 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7th लिखेंगे। ओके, या फिर अगर मान लो 1st है तो हम ST लगा देंगे 1 के साथ, 2nd है तो 2 के साथ ND लगाकर हम इस तरह से लिख देंगे, या फिर पूरा ही लिख देंगे SEVENTH, 7th। ओके, 7th सितंबर
2020, फिर इसमें कोमा नहीं आएगा। ये चीज़ दिमाग में रखने की होती है कि फिर हमें कोमा नहीं लगाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको दिमाग में रखनी है। अब बात ये करते हैं कि किस तरीके से हमें डेट नहीं लिखनी चाहिए। रॉन्ग वे टू राइट द डेट, जो गलत तरीका है हमारा डेट को मेंशन करने का वो क्या है। कई बार हम क्या मेंशन कर देते हैं कि जैसे आज की डेट क्या है, 7 सितंबर 7-9-2020, या फिर क्या कर देते हैं 7 के बाद ओब्लिक 9 के बाद ओब्लिक फिर देन 2020, या फिर दूसरा तरीका क्या है 7-9-2020, यानी 2020 पूरा ईयर नहीं लिखते हैं, लास्ट वाले टू डिजिट्स लिख देते हैं। तो अब बहुत सारे कंट्रीज़ में, ज़रूरी तो नहीं कि आप थ्रू आउट द लाइफ एक ही कंट्री में रहेंगे, कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है जब आप किसी और देश में जाएं, वहाँ का पैटर्न आपको अपनाना पड़े। तो बहुत से देशों में क्या समझा जाएगा इस वाली डेट को, या इस वाली डेट को क्या समझेंगे कि July 9, वो जो पहले लिखा है वो उसको मंथ नहीं समझेंगे, क्या समझ लेंगे, सॉरी डेट नहीं समझेंगे, क्या समझ लेंगे कि वो मंथ है। यानी 7 जो है ये क्या है, उनके मुताबिक क्या हो जाएगा, ये जुलाई, और 9 का मतलब क्या हो जाएगा कि ये सितंबर 9 तारीख है, यानी July 9 मान लेंगे। या फिर अगर हम इस एंगल से लिखते हैं तो वो मान लेंगे जुलाई की 9 या फिर 11 डेट, ऑब्लिक कर हो जाएगा। तो ये दोनों ही तरीके से लिखी गई डेट किसी भी लेटर में गलत होती है। अब उसके बाद बात करते हैं, अगर हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सब्जेक्ट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिस विषय पर लेटर लिखा गया है, या जिस विषय पर हमने लेटर लिखना है, टॉपिक क्या है हमारे लेटर का, या वजह क्या है, रीज़न क्या है हमारे लेटर लिखने की, तो वो रीज़न यहाँ पे हमें मेंशन करना है, वही हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए। और ये बहुत लंबा नहीं होना चाहिए कि पूरी लाइन की लाइन लिख दी, या पूरा आपने स्टेटमेंट उठा के लिख दी, नहीं, ये बिल्कुल ब्रीफ में होना चाहिए, टू द पॉइंट, ओके। फिर उसके बाद है हमारा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जो है, सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन, किसी को किस तरीके से हम बुलाएंगे। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर्स में ये अलग अलग तरीके से होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मल लेटर्स की। फॉर्मल लेटर में जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो सैल्यूटेशन में हम या सर लिख सकते हैं, डियर सर लिख सकते हैं, और अगर वो सर की बजाय कोई मैडम है तो हम डियर मैडम भी लिख सकते हैं, या अकेला मैम भी लिख सकते हैं, डियर सर्स भी लिखते हैं, कई जगह पे डियर सर्स भी लिखा जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ दिमाग में रखने की है कि दोनों में के फर्स्ट लेटर कैपिटल होनी चाहिए, चाहे वो हम सर लिखें तो एस कैपिटल होना चाहिए, डियर सर लिखेंगे तो डी और एस दोनों कैपिटल होने चाहिए, या मैडम लिखेंगे तो डी और एम कैपिटल होने चाहिए। तो ये पहले लेटर्स जो हैं इनके कैपिटल होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। फिर कई जगह हम लिखते हैं डियर सर्स भी लिखते हैं, लेकिन अमेरिका जैसे कंट्री में डियर सर्स को वो पसंद नहीं करते, या उनके यहाँ रॉन्ग ही माना जाता है इस चीज़ को, तो वो डियर सर्स की बजाय क्या लिखते हैं, जेंटलमैन, क्या लिखा जाता है वहाँ पर, इसको जेंटलमैन लिखा जाता है, ओके। लेकिन अगर आप जिसको लेटर लिख रहे हो, फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, और उस इंसान को अच्छे से जानते भी हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे जो भी है, चाहे वो मिस्टर शर्मा है, वर्मा है, सक्सेना है, या व्हाटएवर जो भी है, तो आप उसको डियर करके उसका मिस्टर पूरा नाम भी लिख सकते हैं, या उनका सरनेम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है सिर्फ डियर मिस्टर शर्मा, ओके। तो इफ़ नॉन, नॉन का मतलब अगर आप उस इंसान को जानते हो तभी ऐसा पॉसिबल है, ओके। अब बात करते हैं कि जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं, ओके, इनफॉर्मल लेटर में क्या होगा कि आपका जिस भी इंसान के साथ जो रिलेशन है, आप जिसको भी लेटर लिख रहे हैं, मान लो आप हॉस्टल में रहते हैं तो आप अपने मदर या फादर को लिख रहे हैं, तो डियर मदर या फादर, या किसी अंकल को लिख रहे हैं, या मदर आपको लिख रही है तो वो डियर सन, डियर डॉटर, व्हाटएवर जो भी रिलेशन है, वो डियर के बाद वही रिलेशन हमने यहाँ पर मेंशन करना है, ओके। उसके बाद आएगा बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में यानी कि हम लेटर में लिखना क्या चाहते हैं, हम पूरा लेटर किस वजह से लिख रहे हैं और क्या क्या लिखेंगे उसमें। अब उसके लिए कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं कि कुछ लेटर्स को किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, बिजनेस लेटर्स जब हम लिखते हैं या फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं तो उसमें बिजनेस लेटर जब हम लिखते हैं तो उसकी शुरुआत में हम ये दो सेंटेंसेस में से कोई एक भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे वो इम्प्रेसिव बनता है।
एक तो है आई शेल बी थैंकफुल इफ यू काइंडली, क्या होगा आई शेल बी थैंकफुल इफ यू काइंडली, तो यहाँ आगे जो भी हमारा पर्पज है वो हम लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा सेंटेंस ये भी हम मेंशन कर सकते हैं, या तो ये या फिर ये, मे आई ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू, जब आप किसी देश की समस्या की तरफ या किसी प्रॉब्लम की तरफ ध्यान अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जैसे एडिटर को लिखा हुआ लेटर है और आप किसी समस्या की तरफ ध्यान अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये लाइन सबसे ज़्यादा प्रॉपर रहेगी, मे आई ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू। ओके, तो ये आगे हम जो भी लेटर होगा वो लिख देंगे। तो ऑफिशियल लेटर्स या एप्लीकेशन जब हम लिखते हैं तो स्टार्टिंग लाइन, ये तो बिजनेस लेटर था, अब ये हम बात करते हैं ऑफिशियल लेटर्स या एप्लीकेशन जब लिखेंगे तो स्टार्टिंग लाइन क्या हो सकती है। आई वॉन्ट टू सबमिट, जब आप कुछ चीज़ जमा करवाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू से, जब आप कुछ कहना चाहते हैं। आई हैव द ऑनर रिपोर्ट, जब आप कुछ बताना चाहते हैं और आप किसी बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन को बता रहे हैं तो आप ऑनर यानी उसको रिस्पेक्ट देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई हैव द ऑनर टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, जब आप किसी के नोटिस में कोई चीज़ लाना चाहते हैं तो ये वाली लाइन भी ऐड की जा सकती है। ओके, तो आगे बात करते हैं रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट। पांचवी लाइन क्या ऐड हो सकती है कि जब आप मान लो किसी, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया और आपने वो कहीं से पता किया था, या किसी टेंडर के लिए अप्लाई किया या किसी और चीज़ के लिए, और वो चीज़ वो नॉलेज आपको अखबार से मिली हो, तो वहाँ पे आप रेफरेंस दे सकते हैं, रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द ट्रिब्यून, कि ट्रिब्यून के ज़रिए जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुई है उसका रेफरेंस। ये ज़रूरी नहीं यहाँ पे ट्रिब्यून अखबार का ही नाम देना है, आप कोई भी अखबार का नाम दे सकते हैं, चाहे वो पंजाब केसरी है, दैनिक जागरण है, या कोई भी वट एवर जो भी कोई और अखबार का नाम हो सकता है, यहाँ पर किसी मैगजीन का नाम भी हो सकता है। ओके, उसके बाद बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर्स, तो उनका पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, एन इंट्रोडक्शन विच गिव्स द रीज़न फॉर द लेटर। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं कि जब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उनमें किन पॉइंट्स का जिक्र होना ज़रूरी है जिससे वो लेटर और ज़्यादा इम्प्रेसिव बनेगा। एन इंट्रोडक्शन विच गिव्स द रीज़न फॉर द लेटर, तो सबसे पहले हम किस वजह से लेटर लिख रहे हैं तो वो इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद है ए मैसेज विच इंक्लूड्स द मेन इन्फॉर्मेशन, और मुख्य इन्फॉर्मेशन, जैसे हम स्टार्टिंग में लिखते हैं हम यहाँ सब ठीक है, आपके वहाँ भी उम्मीद है ठीक होगा, अब फिर आगे रीज़न लिखना शुरू करते हैं, तो वी आर वेरी गुड हियर एंड होप यू आर वेल एंड फाइन ओवर देयर, एंड देन यू स्टार्ट द लेटर, वाई आर यू राइटिंग दैट। ओके, एंड और लास्ट में क्या होगा, कंक्लूजन। और कंक्लूजन जब आप लेटर में लिखते हैं, कंक्लूजन ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसे लिख रहे हैं तो उसका कंक्लूजन आएगा, कंक्लूजन मतलब आपने जो लेटर लिखा उसका सार क्या निकला, और जो कंक्लूजन होगा वो बहुत ही पोलाइट होगा, बहुत ही विशिंग होगा किसी दूसरे, क्योंकि हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं और इनफॉर्मल लेटर हम रिश्तेदार वगैरह या फ्रेंड सर्कल में ही लिखते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है किसी भी लेटर के लिए, कि जो लेटर है एक तो वो वेल अरेंज्ड होना चाहिए, उसमें टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, क्लियर बात होनी चाहिए, ये नहीं कि लेटर को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के हम लिखते रहें, उससे क्या होगा वो लेटर मिसअंडरस्टूड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आप कहना चाह रहे हैं वो बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। तीसरी, जो भी आपका लेटर है कोशिश करें हर जैसे जैसे आप पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं वैसे वैसे पॉइंट्स आप बनाते चले जाएं, यानी लेटर को भी छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है, उससे क्या होता है कि लेटर और भी ज्यादा इंप्रेसिव बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन। ओके, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि हम किसी को क्या कहना चाह रहे हैं, किसी चीज को संक्षेप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड्स हो सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स दोनों के लिए अलग अलग होते हैं, तो यहां पर मैं फॉर्मल लेटर्स के वर्ड्स दे रही हूँ, योर्स ट्रूली, या फिर योर्स फेथफुली, योर्स रिस्पेक्टफुली, योर्स ओबीडियंटली, या योर्स सिंसियरली। अब आपने इसमें एक चीज़ ध्यान दी कि मैंने सिर्फ योर्स में वाई का, जो योर्स का वाई है सिर्फ उसको ही कैपिटल रखा है। ओके, उसको ही कैपिटल रखा है, टी है या एफ है या यहाँ पर रिस्पेक्टफुली का आर है, उनको छोटा लिख दिया है, तो हमने सैल्यूटेशन की तरह ये दोनों लेटर्स कैपिटल नहीं करने हैं, हमने सिर्फ फर्स्ट लेटर को ही कैपिटल रखना है, दूसरा लेटर स्मॉल लेटर ही आएगा, ये चीज़ पहली होनी चाहिए, ये फॉर्मल लेटर की बात कर रही हूँ मैं।
और जब हम किसी को पर्सनल लेटर लिखते हैं यानी कि इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो वहाँ पर हम योर लिखते हैं ना कि योर्स। ये चीज़ दिमाग में रखनी है, इनफॉर्मल लेटर में योर लिखा जाता है ना कि योर्स, और फॉर्मल लेटर्स में हम योर्स लिखते हैं यानी कि योर के बाद एस लगाते हैं। लेकिन इन फॉर्मल लेटर में हम वहाँ योर्स नहीं लिखेंगे जहाँ पर हमने सैल्यूटेशन में नाम लिखा हुआ है, कि जैसे मैंने बताया था डियर मिस्टर शर्मा, ठीक है। तो अगर हमने वहाँ पे सैल्यूटेशन में नाम लिख दिया यानी हम जानते हैं उस इंसान को, उस ऑफिसर को जिसको हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन हम यहाँ पे सैल्यूटेशन में एस नहीं लगाएंगे, तब हम योर ही लगाएंगे। ओके, और बीच में कॉमा या पीछे फुल स्टॉप वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, सिग्नेचर आएंगे। सिग्नेचर के नीचे आपका फुल नेम होना चाहिए, सिग्नेचर, सिग्नेचर के नीचे फुल नेम, और फिर आपका क्या होना चाहिए, डेजिग्नेशन, ठीक है। क्या हो जाना चाहिए, डेजिग्नेशन। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो सिग्नेचर, फुल नेम और डेजिग्नेशन की जगह जो भी आपका रिश्ता है, योर फ्रेंड या जो भी आप मदर फादर या जो भी आपका रिलेशन है उसके साथ, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारा फाइनल ग्राफ बनकर आएगा लेटर का, वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले अगर हमें बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो ज़रूरी है कि हम एक फॉर्मेट बनाएं, और फॉर्मेट में जब हम लेटर लिखेंगे तो वो और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एड्रेस मेंशन किया है, सेंडर्स जिसने चिट्ठी लिखी उसका एड्रेस, फिर डेट, डेट कैसे लिखनी है वो मैंने बता दिया है, एड्रेस ऑफ द रिसीवर। तो दूसरे नंबर पर डेट के बाद क्या आएगा, जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा, नाम नहीं आएगा यहाँ पर, मैं दोनों में कह रही हूँ नाम नहीं आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट मतलब जिस टॉपिक पे हम लेटर लिख रहे हैं, और सब्जेक्ट तभी आएगा जब लेटर फॉर्मल होगा। उसके बाद सैल्यूटेशन, हमने वर्ड सैल्यूटेशन नहीं लिखना है, सैल्यूटेशन मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा है। यहाँ पर लिखना होगा डियर सर, डियर मैम, वट एवर जो भी वो आप लिख रहे हैं। अगर आप डियर मिस्टर शर्मा या डियर मिस्टर वर्मा लिखते हैं तो यहाँ पर सैल्यूटेशन में आपको जो एस है वो हटाना होगा। ओके, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। फिर बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर में आपने टू द पॉइंट लिखना है, पैराग्राफ बनाकर लिखना है, ये चीज़ दिमाग में रखिए। फिर सब्सक्रिप्शन में योर्स ट्रूली, योर सिंसियरली या वट एवर, फिर सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन। ये था फॉर्मल लेटर का फॉर्मूला, ओके, और फॉर्मल लेटर का ग्राफ। अब हम मैं आपको दिखाती हूँ कि इनफॉर्मल लेटर का ग्राफ कैसा हो। ये है हमारा इनफॉर्मल लेटर का ग्राफ। इनफॉर्मल लेटर में सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा, डेट आ जाएगी, और डियर जो भी हमारा रिलेशन है उनके साथ वो आएगा, फिर बॉडी ऑफ द लेटर आएगी, और योर्स हमारा जो भी रिलेशन है उनके साथ वो आएगा, फिर सिग्नेचर और नाम, ठीक है। इसमें हमें सब्जेक्ट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन क्योंकि इनफॉर्मल लेटर हम लिफाफे के बाहर लिखते हैं, लेकिन ये तो हम अगर बुक में लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे बिल्कुल जैसे वैसे मेंशन किया था, तो यहाँ पे रिसीवर का जो हमने एड्रेस है वो भी मेंशन करना होगा। अगर सिर्फ किसके लिए लिख रहे हैं, किसी एग्जाम पर्पज़ से लिख रहे हैं तो रिसीवर्स एड्रेस यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, लेकिन अगर वाकई रियल में लिख रहे हैं तो ये रिसीवर्स एड्रेस जो है वो लिफाफे के बाहर लिखा होगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन राइट द लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल, एंड आई एम वेरी होपफुल दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूजफुल फॉर यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।